फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुमकुम किचन्स में। आज मैं आपके लिए बहुत ही पौष्टिक नाश्ता लेकर आई हूँ। इसको हम बहुत कम तेल से बनाएंगे, साथ ही साथ यहाँ खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस नाश्ते को बनाना। इसको हम पोहे और लौकी से बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पोहा लिया है, इसको पीसकर हम पोहे का 1 कप पाउडर तैयार करेंगे। साथ ही मैंने 1/2 किलो लौकी ली है। यहाँ पर पोहे को मैंने पीस लिया है और लौकी को कद्दूकस कर लिया है। इसका पानी मैंने नहीं निकाला है। लौकी को बाउल में डालकर इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। अब हम इसमें पोहे का जो पाउडर हमने तैयार किया है वो डालेंगे। पोहे का पाउडर मैं 1 कप डाल रही हूँ और 1/4 कप यहाँ पे मैं मूंग दाल का आटा डाल रही हूँ। 1/4 कप उड़द दाल का आटा डालेंगे। मूंग दाल और उड़द दाल के आटे को बनाने के लिए आप मिक्सर में दाल को पीसकर आटा तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। अब मैं यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ, जो कि 1 चम्मच है। हरी मिर्च आप स्वाद अनुसार इस्तेमाल कीजिएगा। हरी धनिया डाल देती हूँ, हरी धनिया भी डाल दिया है मैंने। यहाँ पर कुछ मसाले मैं डालूंगी, जिसमें 1/4 चम्मच से भी कम हींग ली है। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन ली है। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला। थोड़ा सा मैंने यहाँ लिया है 1/4 चम्मच से थोड़ा ज्यादा जीरा पाउडर और चाट मसाला। तो इन सभी मसालों को मैं डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि लौकी में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। यदि आपको आवश्यकता लगे तो आप ऊपर से पानी मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको मिक्सर को तैयार किया है। थोड़ा सा नींबू का रस इसमें मैं डाल दूंगी और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे सोडा डाला है। बेकिंग सोडा हम डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा जो मिश्रण है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक केक टिन को लिया है, जिसको कि ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो कुकर का डब्बा या कोई भी एल्युमिनियम का जो भी बर्तन आप लेना चाहें ले सकते हैं। इसमें इस मिश्रण को डालकर अच्छे से सेट कर देंगे। आप चाहें तो चम्मच से भी इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। किनारों से दबाते हुए इसको एक समान फैला देंगे। देखिए मैंने इसको किनारों से दबाते हुए अच्छे से फैला दिया है। अब हम इस मिश्रण को स्टीम होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी को उबलने के लिए पहले रख दिया था कुकर में। मैंने 2 ग्लास पानी उबलने रख दिया है और एक रिंग रखकर इसके ऊपर इस बर्तन को रख देंगे और यहाँ पर ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन के लिए मैंने यहाँ पर कुकर की सीटी और जो रबर होता है दोनों निकाल लिया है और इसे बंद कर देते हैं और तेज आंच पर इसे 20 से 25 मिनट के लिए पकने देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद हम इसको चेक करके देख लेते हैं। इसको चेक करने के लिए आप टूथपिक से या चाकू डालकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये नहीं चिपक रहा है, तो हम इसको निकाल लेते हैं, यानी कि अंदर तक पक चुका है। इसे निकालकर हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने तो देखिए ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको चाकू से किनारों को अलग करते हुए इसे निकाल लेंगे। यहाँ मैंने चाकू से किनारे अलग कर लिए हैं और इसके ऊपर एक प्लेट रखकर इसको हम पलट लेंगे। इस तरीके से मैंने इसको पलट लिया है। वो थोड़ा सा टैप करने पर ही निकल आता है, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं लगती है। अब आप इसको मनचाहे आकार में काट लीजिए, जैसे भी आकार में आप इसको काटना चाहते हैं काट लीजिए। तो ये इसके मैंने पीस बना लिए हैं। इस तरीके से मैंने इसके पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको हल्का सा सेलो फ्राई करेंगे, या आप इसमें तड़का भी डाल सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है ये। तो इसको सैलो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल लिया है फ्राइंग पैन में और इसमें मैंने डाले हैं सफेद तेल। देखिए तेल चटकने लगे हैं, तो इसके ऊपर एक एक करके सारे पीस हम रख देंगे। एक एक करके सारे पीस को मैंने जमा दिया है और इसको नीचे से हल्का सुनहरा होने तक हम फ्राई होने देंगे। दूसरी तरफ से भी हम इसको पलटकर सेक लेंगे। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको बहुत ही हेल्दी वे में बना रहे हैं, इसलिए मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। देखिए ये दूसरी तरफ से भी जब पक जाएगा तब हम इसको निकालकर प्लेट पर रख देंगे। इससे ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी लगता है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट लगता है खाने में। तो देखिए हमारा जो नाश्ता है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा।
और यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपको और हमारा साथ यूं ही बना रहे तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन बेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक लिए बाय।